नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुद्र बुलेटिन। मैं दीपिका जांगिड़ आपके साथ। प्रदेश भर में आज सावन का पहला सोमवार। इस मौके पर जयपुर के तारकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा और कोरोना गाइडलाइन इनके हिसाब से मंदिर में सैनिटाइजर और मास्क पहनकर ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। मंदिर मंत्री ने बताया है कि कोरोना के चलते खास तौर पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है और इस मौके पर पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। एसीपी राजवीर सिंह और मानक चौक एसएचओ राम सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है और इसी के साथ ही भक्तों से निवेदन कर रहे हैं कि मास्क पहन कर रहे और दो गज की दूरी बनाए रखें। देखिए, राज्य सरकार ने जो निर्देश दिए हैं कोविड प्रोटोकॉल के लिए, उसकी पालना कराई जा रही है। बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, सभी लाइन से हैं, बिना मास्क के कोई भी नहीं है। वहाँ पहले ही चेक किया जा रहा है कि बिना मास्क के किसी को भी एंटर नहीं किया करवाया जा रहा और लाइनिंग से सभी भक्तगण प्रवेश कर रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके दर्शन करके तुरंत वहाँ से रवाना करवा रहे हैं। बीच बीच में हमारे सिविल में भी हैं और वर्दीदारी भी है। कुल कितना जाप्ता लगाया गया है मौके पर यहाँ? यहाँ पर 15 आदमियों का जाप्ता एट ए टाइम लगवाया गया और इनके वॉलेंटियर्स हैं 15, तो वॉलेंटियर्स को ज़्यादा आगे रखा गया है, हम सेकेंड लाइन में हैं। व्यवस्थाएँ हमने बिल्कुल कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए और बैरिकेडिंग वगैरह सारी मंदिर में करी है। प्रातःकाल 4 बजे से हमारे थानाधिकारी और जाप्ता यहाँ थे, तभी मैं तो खुद ही चेक करने आया हूँ। या दस बजे सारी व्यवस्था एकदम चाप चौबंद है और विशेष करके हम लोगों को यही हिदायत दे रहे हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, मास्क लगा करके आए। आज जयपुर के अमर जवान ज्योति पर कारगिल विजय दिवस मनाया गया और इस मौके पर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, ग्रेटर मेयर शील धवाई और सभी कार्यकर्ताओं ने अमर जवान ज्योति पर इकट्ठा होकर पुष्प अर्पित किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे, इसी के साथ ही सभी ने पुष्प अर्पित किए। आज कारगिल विजय दिवस है और इस दिन हम बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ उन वीर शहीदों को, सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने अपने खून से इस देश की सीमा की रक्षा की, आन बान शान की रक्षा की। यूं तो दुनिया को नज़र दौड़ाएं, लोकतंत्र के बाद भारत की सेना ये दूसरा बड़ा गौरव है। दुनिया के युद्ध इतिहास में अनेक युद्ध हुए हैं लेकिन कारगिल की लड़ाई ये अनूठी लड़ाई थी जिसमें दुश्मन चोटी पर था और हमारे जांबाज सैनिक नीचे मैदानों पर थे। एक भी जवान के पीठ पे गोली नहीं थी, सीनों पर उन्होंने गोलियां खाई और उस कारगिल की चोटी पर उन्होंने विजयश्री हासिल की थी। भारत की ये धरती अनेक खूबियों के साथ शहीदों की उस शहादत के नाम से भी विख्यात है और हम सब का गौरव है कि आज 130 करोड़ हिंदुस्तानी जब चैन की नींद सोते हैं वो तभी नसीब होती है जब कोई जांबाज सैनिक घर के भीतर और घर के बाहर सीमा पर सुरक्षा देता है। इसलिए आज का दिन कारगिल विजय का दिन है और इसको हम सब लोग श्रद्धा से स्मरण करते हैं। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने रविवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल और राजस्थान प्रभारी अश्वय माकन को सूत की माला पहनाकर स्वागत किया तथा संगठनात्मक मुद्दों, मंत्रिमंडल विस्तार सहित राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अपने विचार उनके समक्ष रखे। इससे पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिन पायलट के साथ पहुंचे। इस दौरान पीसीसी कार्यालय के बाहर विधायक वेद प्रकाश सोलंकी और सचिन पायलट के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इस माहौल को सचिन पायलट जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, वेद प्रकाश सोलंकी जिंदाबाद से गुंजायमान कर दिया। समर्थकों में जोश देखते ही बनता था। इस दौरान चाकसू से गए कार्यकर्ताओं में नगर पालिका चेयरमैन कमलेश बेरवा, कृषि मंडी चेयरमैन हरि नारायण चौधरी, कृषि मंडी वाइस चेयरमैन अवध शर्मा, माधोराजपुरा ब्लॉक अध्यक्ष शोजी राम सिंघानिया, युवा कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश चौधरी, सियाराम गुजर, युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव, नगर पालिका पार्षद अमजद हुसैन, अभिषेक शर्मा सहित कोट खावदा, चाकसू और माधोराजपुरा क्षेत्र के
अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। परम पूज्य तपो शिरोमणि आचार्य सम्राट 108 कुशवाग नदी महाराज की आज्ञा अनुवर्ती प्रथम सुशिष्य 105 छुल्ली का रतन कृष्ण वाणी माता का 28वां वर्षा योग मंगल कलश स्थापना रविवार दोपहर 1 बजे दिगंबर चंद्र प्रभु जैन मंदिर सन्मति सदन में आयोजित किया गया। जैन समाज के अध्यक्ष कौशल किशोर एवं मंत्री शुभम जैन ने बताया है कि प्रातः माता को श्रीफल भेंट किया गया, उसके बाद ध्वजारोहण, मंगलाचरण, चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन, शास्त्र और वस्त्र भेंट कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें झंडारोहण अनिल कुमार जैन के द्वारा, दीप प्रज्वलन रामजीलाल राकेश जैन के द्वारा, शास्त्र भेंट सुजाता जैन के द्वारा किया गया। जैन समाज के प्रवक्ता अजीत जैन एवं कोषाध्यक्ष शांति प्रसाद जैन ने बताया है कि बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं माता के प्रवचन हुए, शाम को सामूहिक आरती का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद मनोज कुमार जैन, प्रतीक जैन, गुड्डू जैन, रामदास जैन, रघुवीर प्रसाद जैन, अनिल जैन, विमल जैन, महावीर प्रसाद जैन, शांति जैन, अजीत प्रसाद जैन, शुभम जैन सहित अनेक जैन समाज के स्त्री व पुरुष कार्यक्रम में मौजूद रहे। अध्यक्षता करते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक कुमार अजय ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में ही पत्रकारिता का असली इम्तिहान होता है। युवा पत्रकारों को अपनी भाषा और कंटेंट पर अपनी पकड़ मजबूत बनानी चाहिए। इसी के साथ ही फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौर ने संगठन की उपाध्यता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पत्रकारों के दमन की घटनाएं निंदनीय है। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की ओर से रविवार को सालासर के बालाजी सेवा सदन में आयोजित सम्मेलन में पत्रकारिता की दशा और दिशा पर मंथन किया गया। इस दौरान पत्रकार संगठन और वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि सशक्त और बेहतर लोकतंत्र के लिए मीडिया का सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने कहा है कि लोकतंत्र के इस चौथे खंभे को मजबूत किए बिना हम एक बेहतर और लोक कल्याणकारी जनतंत्र की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। कलंक को सरकार द्वारा दबा दिया जाता है, हम निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं वो हर नागरिक को मिले, ऐसे पहले की भूमिका मीडिया को निभानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि आजादी के पहले और आजादी के बाद भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने में पत्रकारिता की बड़ी जोरदार भूमिका रही है। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौर ने संगठन की उपाध्यता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पत्रकारों के दमन की घटनाएं निंदनीय है और संगठन को मजबूत करें। जिलों से आए पत्रकारगण वहां मौजूद रहे। सावन के महीने का रविवार को आरंभ होते ही शहर भर में शिव महिमा का उल्लास छाया हुआ है। पहले सोमवार को देखते हुए शहर के मशहूर पद्मश्री अवार्डी मूर्तिकार मरहूम अर्जुन प्रजापति के बेटे स्कल्प्टर मुकेश प्रजापति ने नैन भिराम आर्दनेश्वरी का आवाज मूर्ति शिल्प क्ले में करने से तैयार किया, जो उनकी शिव भक्ति को अनन्य भाव को दर्शाता है। इस शिल्प को लेकर वे पिछले 3 दिनों से अहनिश जुटे और आवक्ष अर्धनारीश्वर का अलहदा रूप लावण्य कले में मूर्तिकरण किया। यह आर्दनेश्वर शिल्प 2 फीट चौड़ा व 2.5 फीट ऊंचा है, जो कला के खूबसूरत वानगी का आईना है। यह मूर्ति शिल्प कास्टिंग के बाद फाइबर में भी बनाने की तैयारी चल रही है। कई संस्थाओं से नवाजे जा चुके हैं। स्कल्प्टर मुकेश प्रजापति ने बताया कि पापा अर्जुन प्रजापति के निधन के बाद यह शिल्प उन्हें शिल्पांजलि के रूप में तैयार की गई है। जयपुर के मालवीय नगर के मालवीय कन्वेंट स्कूल में महात्मा गांधी जीवन दर्शन की ओर से जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता फाइनल कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस प्रतियोगिता में कोई 6 जिलों से भी एंट्रीज प्राप्त हुई थी। कुल 1850 बच्चों ने इसमें भाग लिया, जिसके बाद ऑनलाइन चुनाव करने के बाद आज फाइनल में करीब 50 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें 5 से 11 वर्ष और 12 से 18 वर्ष की कैटेगरी में टॉप 3 को पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल रही और गांधी जीवन दर्शन की जयपुर सह संयोजक विचार प्यास भी मौजूद रहे। फिलहाल कल सिर्फ इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए मधुर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।